नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज 15 अगस्त को फरक्का में एनटीपीसी पावर प्लांट मैनेजमेंट और एनटीपीसी पावर प्लांट की सीआईएसएफ यूनिट की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इन दोनों जगहों पर फरक्का बराज प्रोजेक्ट और सीआईएसएफ यूनिट फरक्का बराज प्रोजेक्ट चल रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों और नृत्यों में भाग लिया और साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने विभिन्न डेमो दिखाए, जिसमें दिखाया गया कि सीमा पर सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए या लोगों के बीच सुरक्षा कैसे की जाए। पूरे भारतवर्ष में तिरंगा अपने शान आन बान शान के साथ चारों तरफ लहरा रहा है। भारत देश 77 साल से आजाद होके अपने सांस ले रहे हैं, अपनी विकास की यात्रा में दौड़ पड़ा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हम अभी गुलाम नहीं है। और जो सतर्कता प्राप्त हुई है ये मुक्त नहीं हुई है। कई हजारों जाने गवाई पड़ी, कई घरों में सिरहा भूखे बुझाना पड़ा, कई माँ के बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और 77 साल से इसे संजोए रखा हमारे सरहद पर जो दावाद सिपाही है उन्होंने दुश्मन से हमारे सरहद बचा कर रखी है और हम सब की सुरक्षा प्रदान किया है। आत्मर हमारे देश के अंदर औद्योगिक विकास हो रहा था और औद्योगिक विकास में जो उद्योग खड़े हो रहे थे अलग अलग एयरपोर्ट, उसके लिए भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद ये सीआईएसएफ सेंट्रल एग्जिस्टेंस सिक्योरिटी फोर्स ये एक नया पैरामिलिट्री फोर्स है जो स्वतंत्रता मिलने के बाद इसकी स्थापना की गई है। और पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं भारत सरकार के अंतर्गत और एयरपोर्ट, इस सब का सुरक्षा आप सभी जाबाज सिपाही कर रहे, अपनी सेवा दे रहे हैं। इधर फरक्का बराज परियोजना के जमीन जायदाद अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग रेगुलेटर्स, अलग अलग बैरिक्स सबका सुरक्षा आप ये 50 साल से करीब करीब 50 साल से आप जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी सभी सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। ई टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।